स्ट्रेट अवे रश इन करते आप नजर आएंगे, एक लॉक किया था, दर्ज करते नजर आए, क्या यहाँ पे नॉक कर पाएंगे, निक की हेल्थ काफी ज्यादा लो अब तो नजर आएंगे, फिर ब्रॉलर्स सडनली गायब होते नजर आए, कुछ ही क्षणों के अंदर पूरी की पूरी ब्रॉलर्स का विनाश हो गया। वर्सेस टीम वॉकआउट्स जो एजेस की फाइट है वो हमें देखने को मिलती है। टीम जीओजी आगे की तरफ जा जरूर से रहे अब्रार, उनको बचा पाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जी हाँ, वो जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे और सर्कल के अंदर वो जो एंट्री है वो भी उन्होंने अब दे दी है। मिस्टर स्प्रे बहुत ज्यादा ओपन में हमें देखने को मिल रहे हैं, बट अभी के लिए एक डिप के अंदर है तो कनेक्शन वो आएंगे नहीं। युवा पीछे जरूर से मौजूद है कवर फायर देने के लिए एंड टीम जीओजी एक और ग्रेनेड करेंगे और जोन के अंदर जो अपनी एंट्री है वो पक्की करेंगे। व्हाट अ स्टार्ट बाय जीओजी, आठ फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, पहले उन्होंने खत्म करा यहाँ पे ब्रॉलर्स को, अब वो खत्म करते हैं आपको नजर आ सकते हैं टीम उट्स को, दो फैन फेवरेट टीम्स को वो बैकफुट पे डालते हैं और नेट सभी रुके नहीं, एक और नेट आएगा, युवा के भी कनेक्शन वो ढूंढने का जरूर, टीम जीओजी लुकिंग गुड, क्या युवा को ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल देखने वाली बात रहती जरूर से। बट वहीं अगर हम बात करें युवा की जोन के बिल्कुल एज पर वो हमें देखने को मिल जाएंगे। बैलिस्टिक्स की मीनवाइल बात करें, चलिए एंट्री उन्होंने ले ली है सर्कल के अंदर, एसीबीसी भी यहां पर मुश्किलों में हमें देखने को मिल जाएंगे। जीओजी स्पोर्ट्स नौ फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर्कल के बिल्कुल एज पर हमें देखने को मिल जाएंगे। निक ओपी मात्र एक फिनिश उन्होंने निकाला जरूर से। वही टेंसाई की बात करें, तीन फिनिशेस के साथ 12वें पायदान पे हमें देखने को मिल जाएंगे, टीम एसीबीसी ने उनको एलिमिनेट किया है। ब्रेवरी की बात करें वो भी सरवाइव करते हुए थोड़ा सा ट्रिगर कंट्रोल हमें उनकी साइड से देखने को मिलता हुआ। टीम सीएल के जो स्कार इंस्पायर है उनको यहां पर डाउन किया जाएगा डॉलर के द्वारा। वही अगर हम बात करें स्कार के रश गॉड की, उन्होंने जो प्लेयर उनको जरूर से डाउन किया है, शेरुन जो है वो भी यहां पर डाउन होते हुए नजर आएंगे। रेंज जो है वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, बट अभी के लिए अगर हम बात करें जीओजी स्पोर्ट्स की जो इकलौता टारगेट है वो रहने वाला है युवा ओपी, स्पॉट किया जाएगा उनको भी एंड टीम वर्कआउट डोमिनेशन इनका हमें देखने को मिला था राउंड टू में, बट अभी के लिए टीम जीओजी आएंगे और बताएंगे कि वो एक बेहतर टीम। प्लेयर व्हीकल लेके सीधा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इंस्पायर की बात की, ग्रेनेड उन्होंने किया और प्लेयर को डाउन किया जाएगा, सीधा हेड कनेक्शन बनाया उन्होंने। अब दो प्लेयर बचेंगे, देखना है कि वो दो प्लेयर कितना ज्यादा आगे अपनी टीम को लेके जा सकते हैं। बट ऑम बीटी की बात करी जाए, वहां पे उन्होंने कुछ प्लेयर्स को स्पॉट किया, गाड़ी लेके सीधा स्लैम करने की कोशिश रहेगी। कुरो उनको पहले से ही डैमेज पड़ा था, उन्होंने अपने आप को बूस्टर्स लगाए नहीं थे, बट वहीं पे दूसरे प्लेयर की बात करें बहुत ज्यादा ओपन से ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको वहां पे पनिश किया गया, थोड़ा बहुत डैमेज पड़े जरूर है, बट ये देखना है कि ऑम बीटी का ये व्हाट ये वाला ग्रेनेड क्या वो अंदर एक्चुअली में करना चाह रहे थे या फिर सामने फेंकने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये एक गलती साबित हो सकती है। बट जो प्लेयर नॉक पड़े हुए थे बड़े आसानी से रिवाइव कर दिया गया, वहां पे एक गैस कैन भी था, वो गैस कैन फटा जरूर है, बट वहीं पे बैटर की बात करें वो भी सामने मौजूद रहेंगे, उनका भी ग्रेनेड आया, उतना कुछ खास डैमेज नहीं, 4v3 का यहाँ पे सिचुएशन चलता हुआ। कुरो की बात करें एक बार फिर से उन्होंने अपने आप पर डैमेज लिया, बट एस की बात करें उनको बचाया नहीं जा सका, बट इंस्पायर वो डाउन है, बंगाली की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, कुरो की स्पीड बहुत ज्यादा कम, बंटर दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, बट प्लेयर्स को रिवाइव करने की कोशिश भी, बंटर को आप देखें इसमें बहुत ज्यादा लूज कर गए, डाउन किए गए और इसी के साथ कुरो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, खत्म। टेंसाई की स्क्वाड सबसे पहले इस मैच से बाहर। ब्रेवरी आप बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा राउंड टू में उनके फिनिशेस थे इस पूरे ग्रुप में से, देखना है कि किस तरीके से उनका जो गेम है अब वो चल सकता है। बट वहीं पे ओनर ओपी के बाद के स्मोक करेंगे, थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तीन स्क्वाड यहाँ पे फंस चुके हैं, TF5 की स्क्वाड वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। शुरुआत उनका बहुत ज्यादा बढ़िया रहा, एक बढ़िया ग्रेनेड आगे की साइड पे गया जरूर, बट ये वाला शॉट मीटलर को कनेक्ट करना चाहिए था, बड़े आसानी से वो प्लेयर को डाउन कर सकते थे, दो स्प्रे उन्होंने खराब करे और तीसरा मौका शायद उनको ना मिले क्योंकि कोबरा आएंगे, उन्होंने यहाँ पे डाउन किया हिटलर को। टीम बात करें यहाँ पे BW की ब्लू व्हेल बहुत ज्यादा मुश्किलात में, स्प्रे इस तरीके से आप मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, पहले मैच में भी शून्य अंक उन्होंने हासिल करे थे, दूसरे मैच में भी मुश्किलें बढ़ चुकी है, रैंडम स्प्रेज यहाँ पे स्मोक के अंदर देते हुए कथक नजर आ सके। भाई अगर टीम ब्लू व्हेल के ओनर की बात की जाए वो भी मुश्किल में फंसते हुए, अब अटैक उनके ऊपर आ रहा है, इफ ही वांट्स टू सरवाइव एक क्लच उनको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। कोबरा रैंडम स्प्रेज यहाँ पे देते हुए और इसी के साथ ब्लू व्हेल के ओनर खत्म होते आपको नजर आ जाएंगे। वही अगर फाइट की बात की जाए, रीपर गॉड्स खड़े होकर स्प्रे करने की कोशिश जो गलती साबित हुई क्योंकि नॉक खुद को भी करा गया, कोबरा को यहां पे नॉक करा जाएगा, वॉकआउट्स पूरा फायदा उठाते हुए इस थर्ड पार्टी का। दो प्लेयर सरवाइव करेंगे मात्र यहां पे, दो हैं या एक हूं देखना पड़ेगा, बड़ों पे इंस्पायर की बात की उनको यहां पे डाउन किया गया, आखिरी प्लेयर वहां पे मौजूद थे, कथिक की बात के वो निकलने की कोशिश करेंगे, व्हीकल काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, एक दो डैमेज और पड़ेगा, व्हीकल वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ओपन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वॉकआउट्स तीन फिनिशेस लेके जाएंगे, बट 10 टोटल फिनिशेस हमें TF5 के पास देखने को मिलता हुआ।
ओपन में जाना है मेजी जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। स्मोक्स यूटिलिटी जितना ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा मिल सकता है, बट वहीं वॉकआउट्स के लिए सबसे मुश्किल है जोन के अंदर एंट्री यहाँ पे पाना। अगर यहाँ पे टीम डेस्टिनी की बात की जाए, पहला मैच इतना कुछ खास नहीं गया था, बट दूसरे मैच में शुरुआत अब अच्छी हुई है, बट टू प्लेयर यहाँ पे नॉक कर दिए जाएंगे। डेस्टिनी के टाइफून को भी नॉक करा जाता है, रेन यहाँ पे गोलियां बरसाते हुए, बट वहीं कैप्टन को मौका मिला जोन के अंदर जाने का। दूसरी तरफ अगर वॉकआउट्स की बात की जाए, इन दोनों टीमों का फाइट का फायदा उठा के वॉकआउट्स भी स्लोली स्लोली जोन के अंदर आते हुए। और सबसे बड़ी बात, अबरार का वो जो कवर फायर था अपनी टीम के लिए वो काफी ज्यादा बेहतरीन था। टीम डेस्टिनी वो कोशिश कर रहे थे कि कम से कम जो सामने प्लेयर रश कर रहे हैं उनको वहां पे नॉक किया जाए, बट रेन काफी ज्यादा ओपन से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब उनके पास तो कोई फर्स्ट एड भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, भुगतान करना पड़ेगा मदारा। डाउन करेंगे रेन को, इसी के साथ उनका खात्मा हमें देखने को मिलने वाला। वॉकआउट्स उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका इस मैच में चिकन डिनर निकालने का, बट पिछली बार तो अबरार ने कवर दे दिया था, बट इस बार चूक गए, बियर्ड बाबा को खोना पड़ेगा। हैक्सर की बात करें, उन्होंने एक और प्लेयर टाइफून को डाउन किया, बियर्ड बाबा पूरी तरीके से मदारा के द्वारा खत्म किए गए। 7 टोटल फिनिशेस देखने को मिलने वाले हैं इस वक्त टीम डेस्टिनी के पास। बड़े भी टाइफून डाउन पड़े हुए, मिसेस क्रे अबरार दो प्लेयर कमान संभाल लिए हैं, वहीं पे हैक्सन एंड कैप्रॉन दो प्लेयर सर्वाइव करेंगे एसीबीसी के। जी हाँ, एसीबीसी का मैं देखना चाहूंगा कि जोन के अंदर वो एंट्री किस तरह से लेते हैं, क्योंकि जोन आने वाला है, दे हैव टू मूव इन नाउ। एंड स्मोक जो पहले थे वो पहले ही कर देते, उनके पास जो स्मोक थे उन्होंने पहले कर दिए थे, अब वो भी खत्म होते कुछ ही देर में आपको नजर आ जाएंगे। एक स्मोक वहां पर जरूर है। वहीं अगर टीम डेस्टिनी की बात की जाए, उनको जोन में जाना है जो कि बहुत मुश्किल। टीम एसीबीसी अगर यहाँ पर बात की जाए, कुछ देर पहले 4 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे थे, अब अचानक वो प्लेयर्स गायब होते नजर आ रहे हैं, और टीम डेस्टिनी उनके पास है नंबर्स गेम का अनडिनाइबल एडवांटेज, और जोन भी उनके पास है, ये रेंज भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को आपको मिल जाती है। बट मादरा 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं अभी के लिए, उनके पास जो वेस्ट है, हेलमेट है, इतने अच्छे नहीं, क्योंकि प्लेयर्स बैक टू बैक बार बार नॉक हुए हैं, तो यूटिलिटी भी इतने ज्यादा मेरे ख्याल से उनके पास बचेगी नहीं। बट क्या वॉकआउट यहां से सबको सरप्राइज कर सकती है, ये एक सवाल जरूर है। जोन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ओपन जोन है, ज्यादा कवर नहीं, ज्यादा कोई खास भी देखने को नहीं मिलती। इट्स ऑल अबाउट स्पॉटिंग योर एनिमी, एंड यहां पे जो स्पॉट करेगा वो फायदा उठाएगा, और एसीबीसी एक्सर स्पॉट करते हुए क्लो को और खत्म भी कर दिया जाएंगे। ये सब का जो फायदा है वो शायद वॉकआउट के जो प्लेयर है वो निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, अगर वो वहीं पर रुके रहे निकाल सकते हैं इस मैच को, क्योंकि अभी भी आप देखें वो जो सर्कल है हर किसी से दूर गया, सभी को ओपन में निकलना पड़ेगा, मात्र 2 मीटर दूर रहेंगे यहाँ पे मिस्टर स्प्रे। और अच्छी खबर ये रहेगी कि वो जो बग्गी है वो टीम एसीबीसी के प्लेयर नहीं वहाँ पे ब्लास्ट करी थी, लावा को स्पॉट किया जा रहा है मिस्टर स्प्रे के द्वारा। देखना है क्या वो उठने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं, ये तो पक्का हो चुका है कि किसी के पास ग्रेनेड नहीं है। कैप्रोन वहाँ पे स्पॉट किया गया, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, लावा को स्पॉट किया, डाउन किया, लावा पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और अब 2v2v2 का सिचुएशन चलता हुआ, हैक्सर के बाहर फंस गए, टाइफून को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मदारा लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, वहीं पे कैप्रोन की बात करें वो भी लास्ट प्लेयर बचे अपनी टीम से, मिस्टर स्प्रे को थोड़ी देर के लिए और रुकना पड़ेगा। डाउन अगर हुए तो दिक्कतें उनके लिए ज्यादा हो सकती है, अबरार वहां पे नीचे मौजूद रहेंगे, और इनके पास फर्स्ट एड नहीं है। अबरार कोशिशें करेंगे अपने प्लेयर के साथ देने का, मिस्टर स्प्रे अपने आप को हील करेंगे, वापस स्पॉट किए गए कैप्रोन, उनको खत्म किया गया। लास्ट प्लेयर मदारा सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, 1v2 का सिचुएशन, एसीबीसी डाउन, 10 फिनिशेस के साथ उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलने वाला। बड़ा वॉकआउट, एक बहुत बढ़िया कमबैक, एक बहुत बढ़िया मैच, 12 फिनिशेस, 13 की दरकार, जोन के अंदर जाने के इस वक्त कोई गलती की कोई गुंजाइश वो करेंगे नहीं, बट मदारा अभी भी होल्ड करने की कोशिश रहेगी, इंतजार करेंगे दोनों खिलाड़ियों का, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के अंदर चलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉकआउट एक बढ़िया वना वना चिकन। तो जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वॉकआउट का, बैलिस्टिक्स एक और खराब प्रदर्शन हम उनकी साइड से देखने को मिलता हुआ, वो जो आखिरी खिलाड़ी है बस वो सर्वाइव कर रहे हैं, देखते कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। बट मीनवाइल टीवी की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है, ब्लू व्हेल एक बार फिर से मुश्किलों में आएंगे, 2 खिलाड़ी उनके डाउन होते हुए, देखते कि अब जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं कॉफिन वो यहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि टीम ब्रेवरी की बात करें गन पार के लिए अपने जाने जाते हैं, और वही प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता हुआ, जो 3 प्लेयर्स नॉक्ड आउट है इजिली वहां पर जो फिनिश है वो सिक्योर किए जाएंगे। एंड टीम ब्लू व्हेल एक बार फिर से जो शुरुआत है वो काफी खराब हमें उनकी देखने को मिलती हुई, पर एक खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा है जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां हमें देखने को मिल जाएंगी। सैमी की अगर हम बात करें वो भी वहां पर नॉक डाउन है, एंड टीम ब्रेवरी का कोई खिलाड़ी उनको रिवाइव देने के लिए गया भी नहीं। आप देखिए तीनों प्लेयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उस आखिरी जो फिनिश है उसकी तलाश में, बट एक यहाँ पर नॉक किया जरूर से जाएगा, क्या ये 1v3 कर पाएंगे वो देखने में, बस राइट साइड उन्होंने पीक जरूर से किया, स्पॉट करेंगे और एक और नॉक वापस निकालेंगे, बट तीसरा खिलाड़ी वो यहाँ पर आएगा टीम ब्रेवरी सर्वाइव करते हुए, लेकिन वो प्लेयर जो पीछे छूट गए सामी, क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा। चलिए ब्लू व्हेल 3 फिनिशेस निकाले जरूर, लेकिन एक अर्ली एलिमिनेशन 16वें पायदान पे। अगर हम बात करें युआन की, वो वहां पर फिनिश ऑफ किए जाएंगे,
कूरू, उनकी पोजिशनिंग काफी ज्यादा क्रूशियल यहाँ पर नजर आ रही है। ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है बट किलिंग, क्या वो पीछे की तरफ जाने में कामयाबी उन्होंने हासिल करी? जी हाँ, वो पीछे की तरफ जाएंगे एक बार फिर से 4v4 का बैटल, लेकिन एक खिलाड़ी वहां पर डाउन जरूर से किया गया है। जो विंडो है उसके थ्रू वहां पर जो स्प्रेज है वो दिए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें किलिन की, वो अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, रिवाइवल मिल पाना यहाँ पर काफी मुश्किल। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव दिखाया किलिन ने, क्योंकि जैसे ही नेट आया था पीछे के, नेट खत्म हो गया, वापस आ गया के एक प्लेयर को नॉक कर दिया, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट गुड राइट। बट अभी भी यहाँ पे देखने वाली बात बनती है कि आगे कैसे करेंगे। मादर अमीन वाले यहाँ पे नॉक कर दिए जाते हैं। वहीं अगर लावा की बात करें वो भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा बैटल्स आपको अब देखने को मिल सकती है। तूफान भी खत्म, मादरा भी खत्म, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर आई थिंक टीडी। वहीं अगर बात की जाए डॉलर को नॉक करा जाता है, नॉट आउट यहाँ पे नोवा को नॉक कर देते हैं, मुश्किलें यहाँ पे बहुत सारी टीमों की बढ़ती आपको नजर आएंगी। वहीं अगर नॉक की बात करते हैं टीम ब्रेवरी के, नेड उनके हाथ में, देखने वाली बात है क्या वो कनेक्शन ढूंढेगा, एक नहीं दो कनेक्शन ढूंढेगा और यहाँ पे अब उनके पास मौका रश करने का। बिल्कुल, वहां पर फ्रेशली जो रिवाइवल है वो मिला था और इंस्टेंटली वहां पर टेकडाउन किए जाएंगे। और ये जो एक प्लान कर रहा है फेस्ट टू ओपी की साइड से, फिलहाल उनकी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से रिवील्ड है, हील करने के लिए जाएंगे अपने आप को और जो कवर है वो उनके पास आएगा जरूर से। लेकिन दूसरी तरफ से जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो खतरा यहाँ पर बरपाने वाले और देखते देखते टेंसा ईस्पोर्ट्स एलिमिनेशन हमें उनका देखने को मिल जाएगा 15वें पायदान पे। वो भी वहां पर मौजूद जरूर से रहने वाले, ज़ेवरफ जो है वो आगे की तरफ गए। यहाँ पर टीम अगर हम बात करें ब्रॉलर्स की, वो कुछ वैल्यू जरूर से ऐड कर सकते हैं बट डार्क वो भी वहां पे स्पॉट करेंगे एक प्लेयर को, आइकॉनिक वो आगे की तरफ मौजूद है और इम्प्रिंट अब दोनों ही टीम से मुंह की खाते हुए। ब्रॉलर्स भी एक लड़के को बाज चुके हैं, सांगवन वहां पे बहुत ही शानदार पोजीशन, अबरार को भी वहां पे उन्होंने नॉक करा, तो दो प्लेयर्स को सांगवन ने नॉक करा और दो बहुत बेहतरीन प्लेयर्स को उन्होंने नॉक करा है, तो सांगवन वापस फॉर्म में आते हैं। बट अभी के लिए जोन में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से वॉकआउट का यहाँ पे खात्मा आपको देखने को मिल सकता है। वॉकआउट खत्म होंगे 7वें पायदान पे, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई। ब्रॉलर्स क्या वो यहाँ पे एक और बैटल को जीत पाएंगे? 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, रावत को गवा चुके हैं, सांगवन जो 3 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, स्प्रे करने की कोशिश, काफी ज्यादा डैमेज बेहतरीन तरीके से नॉक वहां पे करा जाएगा। सामने जो प्लेयर है वो हमें उस पेड़ के ट्रंक के कवर में देखने को मिल रहे, क्या उनको पता है कि डार्क कहां पर है? फिलहाल डार्क को पूरी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है, एक एम है डार्क के पास और एक एम इनके लिए पीस्ट गन हमेशा साबित होती है। लेकिन शायद आज जो दिन है वो डार्क का नहीं है, जो दिन है वो टीम ब्रॉलर्स का नहीं। एलिमिनेशन टीम ब्रॉलर्स का 6 पायदान पे मात्र 5 फिनिशेस के साथ। सिमिलर स्थिति यहाँ पे आपको ब्रॉलर्स की देखने को मिल जाती है, 4 मैचेस के अंदर 14 टोटल अंक, बट अभी उसके बाद में बाद में बात करेंगे। प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेलेस्टियल्स की तरफ से, खान आगे गए इंस्पायर करने की कोशिश वो जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए वो स्प्रे क्या कनेक्शन ढूंढ पाएगा? दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं, सामने जो उनके प्लेयर है उनके पास एक क्रिस्टल आपको देखने को मिल जाएगी, तो एक और आराम से नॉक मिलेगा जरूर। वहीं फिजिकल देखने को मिलता जरूर है, एक प्लेयर को नॉक किया इंस्पायर, अभी भी वहां पे बचे हुए, क्या वहां पे एक 1v2 करके दिखा पाएंगे? बहुत मुश्किल सिचुएशन बन गई पिस्टल के साथ, एक प्लेयर को यहां पे नॉक करा जाता है, एक और प्लेयर को पिस्टल से नॉक कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से पिस्टल। व्हाट इज हैपनिंग इंस्पायर यहां पे सभी को इंस्पायर, पिस्टल, एक पिस्टल क्लच देखने को मिल जाता है, खुशी देखिए चेहरे पे उस प्लेयर की, दिस इज अनबिलीवेबल। बात करते हैं अमेजी, एक ओपन एरिया, कोई छुपने की मेरे ख्याल से खास जगह यहाँ पे है नहीं, स्मोक आपको करना पड़ेगा अगर आपको जाना है, छोटी छोटी रिजेस आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। कोशिश अबरार बीपी करते उनके साथ ही बीपी करते बट काफी ज्यादा डैमेज का आदान प्रदान आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली पहला नॉक आया, युवा को नॉक करा गया, मिस्टर स्प्रे की एचपी उनकी भी काफी कम है, रैंडम स्प्रेज के जरिए एसीबीसी काफी ज्यादा डैमेज देते हुए। स्मोक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है वहां पे वॉकआउट के प्लेयर्स के द्वारा, आप देखे पूरा स्मोक्स ही स्मोक्स वहां पे कर दिए गए और चारों खिलाड़ी बड़े आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे। अब ये देखना है कि यूटिलिटीज का कितना बढ़िया इस्तेमाल एसीबीसी की जो स्क्वाड है वो कर सकती है। अबरार को वहां पे स्पॉट किया गया, रैंडम शॉट्स देने की कोशिश रहेगी बट वहां पे कोई भी कनेक्शन आएंगे नहीं, बट अभी भी आप देखें इतने सारे स्मोक्स उनके पास बचे हुए थे, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। बेर्ड बाबा अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेयर मौजूद है उनको स्पॉट किया जाए, हैक्सर युवा को डाउन करेंगे, मिस्टर स्प्रे की जो एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, अबरार उनको भी हैक्सर के द्वारा डाउन किया गया, 2v2 का यहां पे सिचुएशन चलता हुआ, ग्रेनेड्स अगर आए दिक्कतें बहुत ज्यादा होने वाली है इस वॉकआउट्स के प्लेयर के लिए। हैक्सर पिछले मैच में भी बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी टीम से दिला के गए थे, पिछला जो मैच था मेरा मार का उसमें वॉकआउट ने चिकन निकाला जरूर था बट क्या एक बार फिर से वो कारनामा कर सकते हैं, क्या एक बार फिर से वो मैंने चिकन डिनर निकाल सकते हैं? स्काई उन्होंने वहां पे वियर्ड बाबा को स्पॉट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, एक आग शॉट आउट लगता है वो डैमेज किए जाते, नॉक किए जाते, वियर्ड बाबा वो भी यहां पे डाउन किए गए, एक और प्लेयर वहां पे डाउन किया गया, मिस्टर स्प्रे लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से, एसीबीसी जो पिछला मैच चूर गए थे विनर विनर चिकन डिनर से इस मैच
हाथ में बड़े आसानी से बराबर चिकंडिया निकाल सकते हैं। और आप देखें टोटल 11 फिनिशर्स के साथ चिकंडिया निकालते हुए नजर आएंगे। वहां पे युवा को रिवाइव किया गया था, वापस डाउन किए गए एसीबी। का दिन बिल्कुल भी बढ़िया उनके लिए जा नहीं रहा, बट जितना बढ़िया दिन जा रहा है वो है टीम ब्लू व्हेल। इस तरीके से अगर शुरुआती दौर में खेलना इन्होंने शुरू किया होता तो शायद आज हम कह रहे होते कि ये स्क्वाड जिन्होंने इतने सारे फिनिशेस दो मैचों में निकाले हैं, इसका एक तिहाई भी अगर बाकी चार मैचों में इस तरीके से खेला होता तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतरीन इनका गेम प्ले हो सकता था। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए हैं या नहीं वो हमें बाद में चला पता चलेगा, बट बैलिस्टिक्स उनका सफर यहीं समाप्त। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पूरे बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया जो हमारा यहाँ पर ओपन चैलेंज रहने वाले उसमें भी जो सफर है वो हमें समाप्त होता हुआ नजर आएगा। बट ब्लू व्हेल अभी भी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो संभावनाएं हैं वो बाकी हैं, क्योंकि 8 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था, इस मैच में चिकन डिनर या फिर उसके आसपास जाते तो जरूर से जो चीजें वो बदली जा सकती है। बट 1v1 की अपर फाइट हमें देखने को मिलेगी, किलिंग एमवीपी खिलाड़ी अपनी टीम से जरूर से वो रहने वाले, लेकिन एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, कवर फायर्स आएंगे उनको भी डाउन किया जाएगा टीम ब्रेवरी के गोकू। अब उनकी यहाँ पर बारी आगे की तरफ जाने की, और सुवो की बात करें आखिरी खिलाड़ी वो सर्वाइव करेंगे। टीम ब्रेवरी ने काफी अच्छे तरीके से ब्रेवली से अपने जो पूरे दो उनके ऊपर रश आए थे उसको अच्छे से उन्होंने हैंडल कराए, और अभी भी वो जो एक खिलाड़ी बचे हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो भी रिवाइवल दे। बट टीम ब्रेवरी अभी के लिए फाइट को जीतेंगे। बट अब एक बार फिर से जो फाइट में इन्वॉल्वमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। कॉफिन डाउन टेंसा इस बार उनके सामने रहने वाले, और अंजाम शायद हमें अलग देखने को मिल सकता है, बिकॉज टीम ब्लू व्हेल पूरी तरीके से जो बड़ी मछली है वो फंस चुकी है। एक ही कंपाउंड में तीनों खिलाड़ी, दो नॉक्स वहां पर हमें देखने को मिलते हुए, रिवाइवल की पूरी जिम्मेदारी वहां पर स्टॉर्म की रहने वाली है। क्या ग्रेनेड्स हमें यहां पर आते हुए नजर आ सकते हैं। बट बात करें टीम टेंसाई की, वो एक बार फिर से अंदर की तरफ आएंगे बंगाली, उनकी तरफ से बड़ी ग्रेनेड आते हुए। स्टॉर्म की बात करें वो अभी भी रिवाइव कर रहे हैं, एक अच्छा ग्रेनेड पूरा स्क्वाड वाइप हमें देखने को मिलेगा, और शायद बहुत ज्यादा देर कर स्पॉट करके डाउन किया स्टॉर्म। चलिए क्या ये तहलका मचा पाएंगे एक बार फिर से, और वहां अकेले आने की भी क्या ही जरूरत थी। पर फिलहाल टेंसाई की अगर हम बात करें अपना एक खिलाड़ी खोते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉर्म एक बार फिर से वो ऊपर जाएंगे रिवाइव करने के लिए, लेकिन सेलेस्ट्रियल की स्क्वाड वो भी आ चुकी है यहाँ पर थर्ड पार्टी का। अगर बीडब्ल्यू की स्क्वाड एंकी यहाँ पे बचती है मैं 110% श्योर हूँ कि बड़े आराम से वो टॉप 8 में अपनी जगह शायद बना पाए। बट अभी भी आप देखे टेंसाई की स्क्वाड जो रश करने की कोशिश कर रही थी वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। बीडब्ल्यू अभी भी सर्वाइव करते हुए मात्र एक फिनिश के साथ उनको यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। दूसरे साइड पे मदारा ने डाउन किया, बट वो खुद भी डाउन किए जाएंगे बेड बाबा के द्वारा, उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। बड़े ग्रेनेड ऊपर के साइड पे गया, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बट इम्प्रिंट का जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। बट इम्प्रिंट और टीम ब्रेवरी की वो जो फाइट हो रही थी लीथल कब वहां से निकल गई हमको पता भी नहीं चला। बट स्टॉर्म आज के दिन पे जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम दिखाया वो बहुत ज्यादा बेहतर। बट इंस्पायर की बात करें आगे का हिटलर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर ओनर को भी डाउन किए गए, लास्ट प्लेयर स्टॉर्म बचे हुए थे अपनी टीम से, उनका भी खात्मा। बराबर स्थान पे एक मात्र प्लेसमेंट पॉइंट, 9 फिनिशेस, 10 अंक के साथ बाहर।